वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। बहुत सारे वीडियोस आपने हमारे जरूर देखे होंगे जिसमें अलग अलग विषयों के, विशेष तौर से ओ लेवल के विषयों का आपको क्वेश्चंस बना के मैंने दिया है ताकि आप उनको देख कर कुछ अपनी बेहतर कर सकें तैयारी और बेहतर नंबर ला सके बच्चों। तो आ जाइए, उसी क्रम में आगे बढ़ता हूं मैं। अगला टॉपिक है आपका विच कनेक्टर। पहला प्रश्न है आपका वेव का सेट टू कह लीजिए। विच कनेक्टर इज मोस्टली यूज्ड विथ एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो बच्चों, सबसे ज्यादा कनेक्टर जो यूज होते हैं वो आपके हैं बच्चों RJ45 कनेक्टर। ये कनेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल मीडिया इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जिसको EMI कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है? जब कोई केबल से डेटा जाता है तो जो बाहर के एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव होता है, जो केबल पर पड़ता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रभाव पड़ता है, उसी डिस्टर्बेंस को EMI शॉर्ट में कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, केवल एक ऐसी केबल है, वो है फाइबर ऑप्टिक, जिसमें लाइट का डेटा का ट्रांसमिशन लाइट के फॉर्म में होता है बच्चों, उस पे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का। बाकी शायद ही ऐसी कोई केबल हो जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का प्रभाव ना पड़ता। तो 52 का ए उत्तर होगा, आप समझ गए होंगे। वेब क्राउलर एज ए वेब रोबोट कॉल्ड। वेब क्राउलर आपका वेब रोबोट है। कभी कभी उसको बच्चों वेब रोबोट या बोट भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ए मॉडम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। किससे? इंटरनेट के माध्यम करते समय मॉडम की आवश्यकता नहीं होती। लोकल एरिया नेटवर्क से जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको मॉडम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडम क्या होता है? वो डिवाइस जो सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करती है बच्चों, जिसको कि हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वैन से रिलेटेड। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन कहते हैं बच्चों, सी इसका आंसर होगा। एक ऐसा नेटवर्क जो ग्लोबल है, जो किसी कंट्री, जो किसी कॉन्टिनेंट या ऑल इवन ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है। इंटरनेट बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसका। कौन इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों? इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटरों के बीच डेटा फाइल को ट्रांसफर करना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रश्न नंबर 56। तो बच्चों, अगर आपको दो मशीनों के बीच डेटा का ट्रांसफर करना है तो देखिए, आप फाइल को भेजना चाहते हैं या फाइल को रिसीव करना चाहते हैं तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी। ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड? इंटरनेट प्रोटोकॉल दो ही हैं बच्चों, IPv4, IPv6। IPv4 प्रेजेंटली चल रहा है, आप जानते हैं। IPv6 भविष्य के लिए है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो कि 32 बिट का होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो कि बच्चों 128 बिट का होता है। तो प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर आप लगाइएगा सी। SMTP इज एसोसिएटेड विथ। SMTP किससे संबंधित होता है? तो बच्चों, मेल को भेजने के काम आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ASCII प्रोटोकॉल है, आप जानते हो, जो मेल डिलीवरी सिस्टम में यूज किया जाता है। सिक्योर सॉकेट लेयर ए प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाई। SSL को किसने डेवलप किया था भाई? सिक्योर सॉकेट लेयर, जो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसका डेवलपमेंट बच्चों नेटस्केप वालों ने किया था। तो 59 का सी होगा,
60 नंबर प्रश्न की ओर आता हूं. द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंट ओवर इंटरनेट इज, इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसको बच्चों पैकेट्स कहते हैं. डेटा पैकेट्स के फॉर्म में सूचनाएं ट्रांसमिट होती हैं. विच टाइप ऑफ फिजिकल केबल हैज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक या माइक्रोवेव? माइक्रोवेव कोई केबल नहीं होती. ट्विस्टेड पेयर का स्पीड स्लो है, उससे तेज को है, कोएक्सियल है और सबसे तेज बच्चों फाइबर ऑप्टिक है. आप जानते हैं क्यों फाइबर ऑप्टिक की रफ्तार सबसे तेज है? क्यों? क्योंकि उसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन है भाई वो लाइट के फॉर्म में होता है बच्चों. तो आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. व्हाट इज अ इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? ए सिंगल नेटवर्क, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, इंटरकनेक्शन ऑफ लैंस या नन ऑफ दीज? बच्चों वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क ये बेहतर डेफिनेशन होगी इंटरनेट के लिए. वैसे बेस्ट डेफिनेशन तो मैं कहता हूं इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. IPv6 एड्रेस हैव ए साइज ऑफ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की साइज आपको अभी भी मैंने बताई बच्चों 128 बिट्स होती है. ये अभी भविष्य के लिए प्रपोज्ड है, अभी ये चल नहीं रहा है बच्चों, लेकिन आने वाले भविष्य में जिस रफ्तार से इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, लोग यूज कर रहे हैं और जैसे जैसे IoT का इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे तुम्हारा IPv4 हटता जाएगा क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा हो जाएंगी. आज इंसान हर चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाह रहा है, घर के उपकरण हो, ऑफिस हो, हॉस्पिटल्स हो, तो IPv6 रिजर्व है. 64 नंबर प्रश्न की ओर लेता हूं आपको. दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर मेल अमंग मेल सर्वर. कौन सा प्रोटोकॉल है जो मेल को ट्रांसफर करने के काम आता है बच्चों? तो वो आपका प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP. ऑनलाइन पब्लिशिंग का मायने क्या होता है? सेलिंग ऑनलाइन बुक्स, गलत. प्रिंटिंग ऑनलाइन बुक्स, गलत. क्रिएटिंग ऑनलाइन बुक्स, गलत. जब आप वेब पेजेस बना लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेज बच्चों वेबसाइट्स कहलाता है. जब तक वो वेबसाइट वेब पेजेस अपलोड नहीं होंगे वेब सर्वर पर, तब तक वो दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं होंगे भाई. तो भैया पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर. कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो डेटा को इंक्रिप्ट करता है बिटवीन वेब सर्वर एंड द ब्राउजर? बता सकते हैं आप लोग बच्चों? HTTP का एक वर्जन आजकल चला है, HTTP है सिक्योर वर्जन, जिसका यही काम होता है. Which TCP port is used by web server in general? Generally कौन से TCP port को यूज करते हैं? याद कर लो, पूछा गया है port number 80, जिससे डेटा ट्रांसमिशन होता है. आपके मन में अगर प्रश्न आता है port क्या है बच्चों, तो port वो हार्डवेयर लोकेशन है जहां से एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डेटा आपके कंप्यूटर में आप कह सकते हैं प्रवेश द्वार, तो गलत ना होगा. गूगल सर्विस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल सर्विस आपका सर्च इंजन का ही एग्जाम्पल होगा बच्चों, ना पोर्टल होगा, ना डेटाबेस सर्वर होगा, ना DNS सर्वर होगा. वेब क्राउलर क्या होता है बच्चों? एक कंप्यूटर वायरस होता है? जी नहीं. क्या कोई ब्राउजर होता है? मैंने नहीं सुना. क्या कोई हैकर होता है? मैं नहीं जानता. तो भैया है क्या वो प्रोग्राम जो इंडेक्स बनाता है वेबसाइट्स का? जब आप सर्च इंजन यूज करते हैं ना गूगल विशेष तौर से, तो जब आप सर्च टर्म बच्चों लिखते हो तो आप देखते हो फ्यू सेकेंड के पश्चात आपके पास कलेक्शन ऑफ लिंक्स आ जाता है, कैटलॉग आ जाता है, इंडेक्स आ जाता है, वही है. अच्छा अच्छा जी, 70 नंबर प्रश्न के लिए बढ़ रहा हूं, आप लोग को ले चल रहा हूं प्रश्न नंबर 70 पे. तैयार हो जाइए आप लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय फॉर रिमोट बच्चों? रिमोट लॉगिन क्या है? एक मशीन जो दूर है, आप उस पर लॉगिन करके उसके रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं. टेलनेट है भाई, टेलनेट है. वैसे आज के दौर में तो टेलनेट अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई. आज तो आपका एनी डेस्क है, एमवे एडमिन है, टीम व्यूअर है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप रिमोट से अपने
रिमोट लॉगिन करके बच्चों डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी चमत्कारिक चीज है आप कह लीजिए इसको। द मेन फंक्शन ऑफ ब्राउजर इज, क्या है मेन फंक्शन ब्राउजर का? कंपाइल एचटीएमएल, इंटरनेट एचटीएमएल। बच्चों ये जो प्रश्न है मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, सुधार थोड़ा सा कर दूं, ये इंटरनेट नहीं है बेटा, ये इंटरप्रेट है। इंटरप्रेट का मतलब एचटीएमएल को इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना। आप जो टैग्स लिखते हैं उसका आउटपुट आपको ब्राउजर ही तो देता है ना। आपका कोई वेब पेज जो आप देखते हैं जो आउटपुट दिखता है वो भैया वो आउटपुट होता है, उसके लिए कोडिंग लिखी गई होती है। आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कर दीजिए, आपको कोड भी दिखने लगेगा। तो ये ब्राउजर का मेन फंक्शन है इंटरप्रेट करना एचटीएमएल को। वेरी गुड। 72वां नंबर प्रश्न, स्पाइडर इज ए प्रोग्राम दैट क्राउल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर पेजेस इन सर्च इंजन। हैकिंग सॉफ्टवेयर, नो। सॉफ्टवेयर दैट एग्जामिन्स, नो। ए प्रोटोकॉल दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज फाइल्स, नो। तो बच्चों पहला प्रोग्राम है बेसिकली, ये सर्च इंजन का प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली लॉन्च होता है, जिसे बोट भी कहा जाता है। वेबसाइट्स को यूनिकली डिफाइंड किया जाता है यूजिंग यूआरएल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम या फाइल का नाम। 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, हम लोग वेबसाइट को पहचानते हैं उसके डोमेन नेम से। इंटरनेट कौन सी स्विचिंग को यूज करता है कनेक्टिविटी के लिए? बच्चों इंटरनेट पे पैकेट स्विचिंग है, डेटा पैकेट्स में ब्रेक होता है और डिफरेंट रूट से बच्चों पहुंचता है कहां तक, कहां तक पहुंचता है? डेस्टिनेशन तक। एक्सेस कंट्रोल को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि कौन रिसोर्स को यूज करेगा और बच्चों कौन नहीं करेगा। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म मैनेज्ड बाय फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी का इशू है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसको नेटवर्क इंजीनियर ही बच्चों डिजाइन करते हैं। डोमेन नेम्स आर कन्वर्टेड टू किसमें? बाइनरी स्ट्रिंग नहीं, अल्फा न्यूमेरिक नहीं, हेक्साडेसिमल नहीं, डोमेन नेम कन्वर्ट हो जाते हैं उसके आईपी एड्रेस। एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है बच्चों, यस, इसको हम लोग एक्सएमएल कहते हैं, यूज होती है, ऐसा नहीं है। प्लगइन क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या कॉम्बिनेशन है, बताइएगा। व्हाट इज प्लग इन? इट इज ए सॉफ्टवेयर। द रूल्स विथ रिगार्ड्स टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूजर इज नोन एज 79। ये रूल है बच्चों कि आप क्या भाषा, क्या लैंग्वेज, क्या शिष्टाचार को प्रयोग करते हैं, जिसको नेटिक्विटी या एथिक्विटी भी कहते हैं। बेसिकली नेटिक्विटी कहा जाता है कि भैया सोशल बिहेवियर्स ऑनलाइन, व्हेन इंफॉर्मेशन इज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा पैकेट को ब्रेक करता है। बच्चों थोड़ा सा ये कंप्लीट नहीं था, कहने का कथन ये है कि कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो इंफॉर्मेशन को पीसेस यानी आपके पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक करता है, तो वो टीसीपी है। नेक्स्ट बच्चों 81 नंबर का प्रश्न, बड़ा ही अच्छा पेपर है ये। इज द एड्रेस ऑफ द वेब करेंटली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, बताइए कौन सा एड्रेस वेब का जो मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है? यूआरएल करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब का, किसी भी वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस जो सर्वर का होता है उसको हम लोग बच्चों उसी भाषा में यूआरएल कहते हैं। इज ए फाइल लेफ्ट ऑन द कंप्यूटर बाय द वेबसाइट ब्राउजर कंटेनिंग यूजर लॉगिन पासवर्ड यूजर प्रोफाइल एंड पर्सनलाइजेशन। कुकी, कुकी वो फाइल है जिसमें ये यूजर लॉगिन, सर्वर, पासवर्ड, प्रेफरेंस, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन रहती है। कुकी कौन बनाता है? सर्वर बनाता है। किसके पास भेजता है? ब्राउजर के पास भेजता है। क्यों भेजता है? ऑडियंस ट्रैकिंग के लिए।
कुकी को HTTP persistent client state cookie भी कहा जाता है। 83 नंबर प्रश्न बच्चों, द इंटरनेट फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस फैसिलिटी को? FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, विच इज ए टेक्नोलॉजी दैट गवर्न्स द कंडक्ट विद सोशली एक्सेप्टेबल इन एन ऑनलाइन और डिजिटल? इंटरनेट एटिक्विटी, वही नेटिक्विटी या इंटरनेट एटिक्विटी कह लीजिए, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कहने का मतलब इंटरनेट पर सामाजिक कैसा शिष्टाचार होना चाहिए वो है। डाइज ए सेट ऑफ रूल गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट ओवर द इंटरनेट और अदर नेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं बच्चों। आपको मालूम ही होगा प्रोटोकॉल्स इज द सेट ऑफ रूल्स। अच्छा जी, 87 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इंडिकेट्स द अपर लेयर प्रोटोकॉल रिसीव्स इनकमिंग पैकेट्स आफ्टर IP प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, बताइएगा 87 नंबर का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा, द आइडेंटिफाइज ए होस्ट ऑन द नेटवर्क एंड असाइंड बाय लैन एडमिनिस्ट्रेटर। कौन असाइन करता है? होस्ट नंबर क्या होगा इसका आंसर? यस, होस्ट नंबर ही होगा जो कि होस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। होस्ट माने यूजर। द जनरल फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी स्पेसिफाइज ए यूनिक लोकेशन इन ए फाइल सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं? उसे पाथ नेम बोलते हैं, जो कि किसी फाइल, भाई पाथ दोगे तभी तो स्पेसिफाई होगा। लेवल वन कनेक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज, लेवल वन कनेक्टिविटी को किस नाम से जानते हैं बच्चों? गेटवे के नाम से भी पुकारा जाता है। इन इंटरनेट कनेक्शन द यूजर विल गेट ओनली टेक्सचुअल मैटर ऑन ए वेब पेज। शेल, शेल कनेक्शन में बच्चों ऐसा ही होता है। 91 का ए आंसर आपका सही होगा। द इंटरनेट एक्सेस इज ए टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी दैट ऑपरेट्स थ्रू ए स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। अब बंद हो गया बच्चों, पहले चलता था डायल अप कनेक्शन जो कि टेलीफोन लाइन के द्वारा कनेक्ट होता था। एक्सेस इज रिलायबल एंड स्केलेबल वर्ल्ड वाइड इंटरनेट एक्सेस सर्विस, कौन सी सर्विस भाई, कौन सा एक्सेस? 93 नंबर प्रश्न, डेडिकेटेड एक्सेस जिसको आप कहते हैं, डेडिकेटेड एक्सेस को हम लोग बच्चों लीज्ड लाइन भी कहते हैं। अच्छा भैया, सिक्योर सेल और SSH इज ए, बताइए क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, 94 का ए होगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होगा? सी होगा, ए होगा, बी होगा या डी होगा? तो बच्चों SSH एक नेटवर्क प्रोटोकॉल लगाइएगा। सिक्योर सॉकेट लेयर बेसिकली इसका। विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स ए लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्टेंस, एक बिल्डिंग एक ऑफिस, तो बच्चों ऐसा नेटवर्क तो आप पढ़े ही हैं, लैन कहलाता है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द होस्ट कंप्यूटर इज नोन एज, बताओ 96 का क्या प्रश्न का उत्तर आप देंगे? क्लाइंट कहा जाता है बच्चों से, क्या कहते हैं उसको? हम लोग क्लाइंट कहते हैं बच्चों। तो क्लाइंट को सेलेक्ट करिए और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। अगला प्रश्न दिखाता हूं, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल इन ए गिवन टाइम, उसे क्या बोलते हैं? 97 नंबर प्रश्न बच्चों, बैंडविड्थ कहा जाता है। मैक्सिमम डेटा कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, मैक्सिमम भार वहन क्षमता भी कहते हैं। आर नेटवर्क्स आर मोर कॉमनली इंप्लीमेंटेड व्हेन लेस देन द कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व एंड वेयर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी। पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, वन टू वन कनेक्शन, जहां कोई स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नहीं है, कम लोगों में यूज होता है, लेकिन फास्ट डेटा ट्रांसफर देता है। In which OSI layer does the FDDI protocol operate?
फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल आपका फिजिकल और डेटा लिंक दोनों पर काम करेगा बच्चों, तो डी लगा लेना। और क्या कह रहा है, इन ईमेल इज यूज टू डिटरमाइन वेयर ए मैसेज इज सेंट एंड ऑल्सो रिकॉर्ड द स्पेसिफिक पाथ ऑफ मैसेज फॉलोज एज इट पासेस थ्रू ईच ईमेल सर्वर। कौन ये काम करेगा, मैसेज का हेडर इस काम को बच्चों करता है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे बच्चों, इसमें ईमेल के भी क्वेश्चन मिले आपको, आपको क्वेश्चंस बच्चों कुछ आईपी से रिलेटेड मिले नहीं, तो ये एक अच्छा पेपर कह सकते हैं आप इसको, जिसकी मदद से आपको कुछ बेसिक आइडिया इंटरनेट का, सर्च इंजन्स का, इनका भी मिला। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये पसंद आएगा और आपको निश्चित तौर पर ये फायदा करेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।